दीदी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिंसि पुरुषं जगत् ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरह तवे तत्सत्यमंगिरह। ओम इमाम महेन्द्र सुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामति उत प्रवर्धयामति। यस्य कारुण्यरेशे सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वंदे जगदीश्वरं तं वंदे जगदीश्वरं तं वंदे जगदीश्वरं। दक्षिण भारत में एक संत हुए, उनका नाम था तिरुवल्लुवर। नाम उनका ऐसा जरूर है कि टेढ़ा मेढ़ा और बड़ा जटिल कठिन लगता है, तिरुवल्लुवर, लेकिन वैसे वो बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बड़े शांत, और उनके बारे में मशहूर था कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। रामायण का तमिल में अनुवाद उन्होंने किया। सप्ताह में 6 दिन कविताएं लिखते थे, शास्त्रीय ग्रंथों का अनुवाद करते थे, उपदेश देते थे, धर्म प्रचार करते थे, साधना करते थे, गृहस्थ थे, परिवार था। उसके पालन पोषण के लिए 7 दिन में 1 दिन बिजनेस करते थे, कपड़े का। कपड़ा खरीद के लाते थे कहीं चेन्नई से, मद्रास, किसी बड़े शहर से, और अपने गांव के बाजार में जो 7 दिन में एक बार लगती थी, जिसको पैंट बोलते हैं, हाट बोलते हैं, गुजरात में भी गांवों में लगती होगी, उस गांव के बाजार में 7 दिन में 1 दिन वो कपड़ा बेचते थे। उससे उनको 7 दिन के लायक भोजन, वस्त्र, परिवार की जरूरतें पूरी करने लायक धन मिल जाता था। एक दिन बाजार लगा हुआ था, संत तिरुवल्लुवर अपना कपड़े का कारोबार खोले हुए थे। जमीन पर एक ऐसी चादर सी बिछाकर उन्होंने बढ़िया बढ़िया कपड़े उस पर रखे हुए थे। साड़ियां थी, पुरुषों के पहनने के कपड़े थे, चादरें थी। गांव के जमींदार का नौजवान बेटा अपने 5-7 साथियों के साथ तफरी करने के लिए मौज मस्ती के मूड में निकला और उसने देखा कि तिरुवल्लुवर बैठे हुए हैं अपने कपड़े की दुकान पर, ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। उसने सोचा कि आज तिरुवल्लुवर को मजा चखाया जाए। उसको शैतानी सूझी कि आज इनके साथ कुछ शरारत करते हैं, और कहा जाता है कि इन्हें गुस्सा नहीं आता, देखते हैं कैसे गुस्सा नहीं आता। तो उसने अपने साथियों के साथ उनकी उस छोटी सी दुकान पर, जो जमीन पर ही उन्होंने लगा रखी थी, उसके ऊपर, चादर के ऊपर जो कपड़े रखे थे बहुत से, उसमें से एक कीमती साड़ी उठाई जमींदार के बेटे ने और पूछा कि इसकी क्या कीमत है। तो तिरुवल्लुवर ने कहा, इसकी कीमत है 10 रुपए। कब की बात है ये? अब से 450 साल पहले। तो 10 रुपए कितने होते थे, अब के कितने हुए? तब 25 पैसे में 1 किलो घी आता था, है ना? तो उसी हिसाब से आप उसको बढ़ा लो। तो जब तिरुवल्लुवर ने कहा कि इस साड़ी की कीमत 10 रुपए है,
तो उस नौजवान ने उस साड़ी को बीच में से फाड़ दिया, दो हिस्सों में कर दिया और एक हिस्से को हाथ में लेकर पूछा, अब इसकी कितनी कीमत है? तिरुवल्लुवर गुस्सा नहीं हुए। तिरुवल्लुवर ने कहा कि अब इसकी कीमत 5 रुपए है। उसने उस टुकड़े के और दो टुकड़े किए और पूछा, अब इसकी कितनी कीमत है? तो तिरुवल्लुवर ने कहा, अब इसकी कीमत 2.5 रुपए है। उसने और छोटा पीस किया, अब कितनी कीमत है, अब कितनी कीमत है? वो टुकड़े करता गया करता गया करता गया और तिरुवल्लुवर कीमत घटाते गए घटाते गए। उसने साड़ी को चिंदी चिंदी छोटे छोटे पीस में अलग अलग कर दिया और आखिर में जब कीमत 1 पैसा रह गई, तिरुवल्लुवर बिना गुस्सा किए शांत भाव से कीमत घटाते गए और वो उसी उग्रता से साड़ी के टुकड़े टुकड़े करता गया। आखिर में जब 1 पैसे कीमत रह गई, तब उस नौजवान को झेप आई, थोड़ी सी शर्म आई और उसने अपनी झेप मिटाने को अपने साथियों से कहा, अरे बेचारे की देखो कितनी साड़ी खराब हो गई, इसका कितना नुकसान हो गया, चलो इसकी भरपाई कर देते हैं, इसको 10 रुपए दे दो। साड़ी खराब तो कर दी, 10 रुपए निकाल कर उसने तिरुवल्लुवर को देने चाहे, तिरुवल्लुवर ने वो 10 रुपए लेने से इनकार कर दिया। तिरुवल्लुवर ने कहा कि मेरे बेटे नौजवान, इस साड़ी की कीमत 10 रुपए नहीं है, 10 रुपए तो उस बात की कीमत थी जितने जितने लोगों के हाथ और दिमाग इस साड़ी को बनाने में लगे थे, 10 रुपए उस पुरुषार्थ का, उस परिश्रम का मूल्य था। किसी ने कपास पैदा की, उस किसान ने कपास बेची होगी, उसको जिसने धागा बनाना है उस किसान को मूल्य मिला, फिर धागा बना, धागे से किसी ने इसको कपड़े के रूप में बनाया, फिर इसने इसके चारों तरफ गोटा किनारी सजाई, किसी ने इस पर प्रिंट किया, फिर कोई होलसेलर बड़ा व्यापारी लेकर के बड़े शहर में आया, मैं वहां से खरीद करके लाया, इतने सारे लोगों के परिश्रम का मूल्य था, सम्मिलित मूल्य 10 रुपए। लेकिन इस साड़ी का असली मूल्य तो तब पूरा होता जब इस साड़ी से किसी का तन ढकता, किसी का शरीर ढकता, किसी की सुंदरता बढ़ती, तब इस साड़ी का पूरा मूल्य वसूल होता। वो मूल्य तो अब तुमने रहने नहीं दिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब ये किसी काम की नहीं रही। अगर तुम 10 रुपए दे भी देते हो तो भी साड़ी तो खत्म हुई ना, उस साड़ी का उपयोग अब नहीं हो सकता, इसलिए तुमने उस उपयोग को समाप्त कर दिया। अब ये उपयोग की नहीं रही है, जो इसका वास्तविक मूल्य था उपयोग, किसी का शरीर ढकना, किसी की सुंदरता बढ़ना, ये उसका उपयोग था, वो उपयोग अब समाप्त हो गया है। 10 रुपए ले देकर अब तुम क्या दिखा रहे हो? और नौजवान तिरुवल्लुवर बोले, साड़ी तो एक छोटी बात है, फिर से कपास उगेगी, फिर से धागे बनेंगे, फिर से साड़ी बनेगी, ये साड़ी नहीं हो पाई तो दूसरी और 1000 साड़ियां हैं, पर सवाल इस बात का है कि तुम अपने जीवन का क्या कर रहे हो? ये जीवन तो बहुमूल्य है, अमूल्य है, किसने दिया है, किस चीज के बदले में दिया है, और इस जीवन का तुम क्या कर रहे हो? इसका भी दिन दिन प्रतिदिन तुम यूं ही खोते हो, ऐसे ही बर्बाद जा रहा है ये। जिस तरह ये साड़ी, ये टुकड़े अब वापस साड़ी में नहीं बदल सकते, इसी तरह से बीता हुआ जीवन भी दोबारा उस रूप में नहीं आता। बर्ट्रेंड रसेल ने एक बड़ी विचार करने योग्य समझदारी की बात कही है। बर्ट्रेंड रसेल लिखते हैं कि दुनिया में विचारधाराएं, दार्शनिकताएं, जीवन और जगत को सोचने समझने के ढंग मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटे हुए हैं। अगर आप चाहें तो उसे ईस्टर्न वेस्टर्न कह सकते हैं, पूर्वी दर्शन और पाश्चात्य दर्शन कह सकते हैं, पश्चिमी विचारधारा और पूर्वी यानी मुख्य रूप से भारतीय विचारधारा कह सकते हैं। बर्ट्रेंड रसेल कहता है कि पूर्व के लोग, मुख्य रूप से भारत के लोग, समय को किस रूप में देखते हैं? उनके लिए समय एक गोल घेरे के रूप में है, और पश्चिम के लोग समय को एक सीधी लाइन के रूप में जाते देखते हैं। उनकी विचारधारा में समय क्या है? समय
एक वो है जो अनादि अनंत प्रवाह के रूप में है। समय कब से है? अनादि काल से। कब तक रहेगा? हमेशा रहेगा। ऐसा कोई टाइम है जब टाइम नहीं होगा? ऐसा कोई टाइम था जब टाइम नहीं था? सत नहीं था ना। तो समय के टुकड़े नहीं किए जा सकते, समय को आप विभक्त नहीं कर सकते, विभागों में नहीं बांट सकते। समय तो समय है अनंत और अनादि रूप में, पर हमारे कॉन्सेप्ट में भी समय होता है। समय को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, पर हम अपने कॉन्सेप्ट में, अपने विचार में, अपने चिंतन में, अपनी समझ में समय को बांटते हैं। इस समय कितने बजे? जो कुछ भी बजाओ 5 बजे हैं, पर समय में बजे हैं ये 5। अच्छा, आपके यहां शाम के 5 बजे हैं। अमेरिका में इस समय क्या बजा है? अमेरिका में सुबह के 6:30 बज रहे हैं। इसका मतलब ये वो समय है जो आपने अपने व्यवहार के लिए समय को बांटा है, सूर्य के उदय अस्त होने के साथ, पृथ्वी की गति के साथ, और भी सूक्ष्म उसमें जाए तो परमाणु के स्पंदन के साथ। लंदन में जो परमाणु घड़ी है वो टाइम को सबसे सूक्ष्म और सबसे सही तरीके से बताती है। उसका उसका जो क्षण का समय का सबसे छोटा पार्ट है वो है जब एक एटम के अंदर एक स्पंदन होता है, एक वो फुदकन होती है, उसको वो समय का सबसे छोटा हिस्सा मानते हैं। तो चलें आगे। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये आपके विचार में है, समय में नहीं है। नहीं तो आइंस्टाइन कहते हैं कि जब आप किसी बोर करने वाले वागीश कुमार के भाषण को सुनते हैं तो 1 घंटा कितना लंबा हो जाता है, खत्म ही नहीं हो रहा, समय खत्म ही नहीं हो रहा, कट ही नहीं रहा। और जब आप अपने किसी प्यारे दोस्त के साथ बैठे होते हैं, बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं, तो समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता है ना। तो वहां समय क्यों जल्दी बीता और यहां क्यों देर में बीता? कारण आपका मन है ना। समय तो जैसे बीत रहा है वैसे ही बीत रहा है। तो समय 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक आपके कॉन्सेप्ट वाला, एक बाहर जो वास्तविक है। तो आगे चलें। बर्ट्रेंड रसल कहते हैं कि भारतीय लोग समय को गोल दायरे में बीतता हुआ पाते हैं और पश्चिमी लोग समय को सीधी रेखा में चलता हुआ समझते हैं। इस समझ का फर्क क्या पड़ता है? इस समझ का फर्क यह पड़ता है कि पूर्व के लोग बड़े आराम से जीते हैं, उनको लगता है सब चीजें फिर वापस आएंगी, गोल घेरा है, पुनर्जन्म होगा, फिर से जीवन मिलेगा, इसलिए वो घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। लेकिन उसका एक नुकसान भी है। पश्चिमी लोग जीवन को सीधी रेखा में चलता देखते हैं तो उसका उसका क्या बात, उसका क्या परिणाम होता है कि फिर वो ये समझते हैं कि जो गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, जो गया सो गया वो वापस नहीं आने वाला, इसलिए वो पुरुषार्थ अधिक करते हैं, परिश्रम करते हैं, उन्हें जो चाहिए अब भी चाहिए, इसी जीवन में चाहिए। तो ये समय का जो बोध है ये और आगे तक खिंचता है। भारतीय व्यक्ति, पूर्व का व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास करता है और समय को गोल घेरे में पाता है, समय वापस लौट रहा है। आज सूर्य छिप गया, कल फिर उगेगा, आज हम सो गए, कल फिर जगेंगे, ये चीज नष्ट हो गई फिर बनेगी, फूल खिला है मुरझाएगा, झरेगा, मिट्टी में मिलेगा, फिर बीज उगेंगे, फिर फूल खिलेंगे। इस तरह से चीजें एक साइकिल में चल रही हैं, गोल दायरे में। ये जीवन भी खत्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये अनंत है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है? इसका दुष्परिणाम ये होता है कि भारतीय व्यक्ति चीजों को पोस्टपोन करता रहता है, फिर कर लेंगे, आगे कर लेंगे। और वो जो समय को सीधी रेखा में चलता देखते हैं, जिनके लिए जो गया वापस नहीं आना, क्योंकि गोल घेरा तो वापस हो रहा है, यूं सीधी रेखा में जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, वो तो गया आगे है ना, पीछे जो छूट गया वो छूट गया।
तो वो बहुत तनाव में रहता है, बड़ी जल्दी में रहता है। वो चाहता है कि सब कुछ एंजॉय कर लूं, सब कुछ उपभोग कर लूं, जीवन में जो कुछ पाया जा सकता है वो सब अभी खा लूं, अभी पी लूं, अभी पहन लूं, अभी कर लूं, अभी इकट्ठा कर लूं, अभी अभी अभी। उसको जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, और इसीलिए वो बड़ी जल्दबाजी में है और इसीलिए फिर बड़े टेंशन में है, बड़े तनाव में। दोनों में से कौन सी जीवन दृष्टि अच्छी है? भारतीय होने की वजह से मत कहना, सोच समझ कर कहिए। देखिए वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यह है कि चीजें तो वापस लौट रही हैं, ये हम खुली आंखों से देखते हैं। साफ उदाहरण है, फूल खिला, मुरझाया, मिट्टी बना, फिर से फूल में बदल गई मिट्टी, फिर से गेहूं जो चना हो गई मिट्टी। आखिर मिट्टी में ही तो बीज मिलता है, और मिट्टी, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, यही सब तो मिलकर के वृक्ष का तना बन जाते हैं, और फल फूल वनस्पतियां बीज और सब दाने वो बन जाते हैं ना। तो बिगड़ रहे हैं फिर बन रहा है, बिगड़ रहा है फिर बन रहा है, तो रिसाइकलिंग सब चीजों में चल रही है। तो चीजें गोल घेरे में है, पानी भाप बन करके उड़ा, बादल बना, फिर बरसा, फिर भाप बन के उड़ा, फिर बादल बना, फिर बरसा। ये साइकिल न हो, पानी उड़ा और उड़ के चला ही गया कहीं, फिर वापस पृथ्वी पर ना आए, तो एक दिन आएगा कि पानी खत्म, ऐसा होगा ना, तो जीवन भी समाप्त। तो शरीर बिगड़ता है, शरीर बिगड़ता है फिर बनता है। चिता में शरीर को जलाकर भस्म कर देते हैं, शरीर खत्म नहीं होता। साइंस के हिसाब से ही कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है, जो है, वो पूरी तरह से नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं जाती, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, केवल शेप बदलती है। इस कपड़े को फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो, तोड़ते चले जाओ, छोटे 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 से छोटे पीस में बांट दो, तो भी कपड़ा खत्म नहीं हुआ, केवल छोटे छोटे पीस में बंट गया, शक्ल बदल गई, पदार्थ नष्ट नहीं होता। तो शरीर को चिता में जलाकर भस्म कर दिया, शरीर नष्ट नहीं हुआ, जिन तत्वों के मिलने से शरीर बना था उन तत्वों में अलग अलग बिखर गया है। कहां गए वो तत्व? एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। तब भारतीय दार्शनिक पूछता है कि शरीर भी जब नष्ट नहीं हुआ, शरीर के तत्व अपनी मूल दशा में चले गए, तो शरीर के अंदर जो चेतना काम कर रही थी, जो अपने अस्तित्व को महसूस करती थी कि ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये मेरे भाई, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान, वो भी कैसे नष्ट हो सकती है? अपने को महसूस करने वाली सत्ता, दुनिया में दो तरह की सत्ताएं साफ दिखती हैं, एक वो जो अपने को महसूस नहीं करती, दूसरी वो जो अपने होने को महसूस करती हैं। इस माइक को पता नहीं कि क्या कर रहा है, इस पंडाल को, शामियाने को नहीं पता कि ये ऊपर तना हुआ है, जिस दरी पे आप बैठे हुए उसको नहीं पता कि ये 50 किलो 60 किलो का श्रीमान मेरे ऊपर क्यों लदा हुआ है, इसको कुछ नहीं पता। आपको तो पता है ना, आपको अपने होने का एहसास है। फिर आपके लिए कौन सी चीज आपको सुख देती है, कौन सी चीज आपको दुख देती है, ये भी एहसास आपको है। तो ये दो तरह की सत्ताएं हैं। ध्यान दीजिए, जिन सत्ताओं को अपने होने का एहसास नहीं है वो उनके लिए बनाई गई हैं, जिनको अपने होने का एहसास है, जो अपने होने का ज्ञान रखती हैं। ज्ञान रहित चीजें उनके लिए हैं जो ज्ञानवान हैं। बनाई किसने? जो परम ज्ञानवान है, सर्वज्ञ। क्योंकि साफ दिखता है कि फूल आपने नहीं बनाया, फल आपने नहीं बनाए, अन्न आपने नहीं बनाया, जो भी रॉ मटेरियल है आप भगवान का उधार लेते हो और उसको जोड़ तोड़ करके कुछ अपना नया भी बना लेते हो, पर मूल रूप में जो वस्तुएं हैं वो किसी और की बनाई हुई हैं, वो सृजन हमारा तुम्हारा नहीं है, तो किसी ने तो किया है। जो चीजें बनी हुई हैं, रचित हैं, उनका रचनाकार है। तो तीन चीजें स्पष्ट होती हैं, इसको त्रैतवाद कहा जाता है भारतीय दर्शन में। तीन चीजों के मूल रूप में विश्वास रखना, आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति के मूल पदार्थ। तो ध्यान दीजिए, चीजें वापस लौटती हैं, आत्मा भी नष्ट नहीं होता, फिर दूसरा शरीर धारण करता है। वास्तविकता तो ये है, पर इस वास्तविकता को आप अनर्थ में बदल देते हो। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप ये समझो कि जीवन तो फिर लौटना है, इसलिए इस जीवन को यूं ही खो दिया जाए, ये तो फिर मिल जाएगा। इतना हल्के से जो आप लेते हो ना, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो ये जीवन बीत गया, जो ये वस्तु नष्ट हो गई, ये वस्तु फिर बनेगी ठीक है, पर ये वाला जो निर्माण था ये तो खत्म हो गया ना, वो जो दोबारा निर्माण होगा वो तो दूसरा है, उसके बाद वाला है।
जैसे इस वक्त के भोजन को आप यूं करके छोड़ देते हो क्या कि कल फिर मिलेगा, कल वाला भोजन भी छोड़ देना परसों मिलेगा, ऐसा तो आप नहीं करते भोजन के साथ। भोजन के साथ तो आप जिस वक्त का जो भोजन है उसी समय खा लेते हो और कर्तव्य को भविष्य के लिए पोस्टपोन कर देते हो। प्रार्थना कब कर लेंगे, योगाभ्यास कब कर लेंगे, साधना कब कर लेंगे, देखते हैं अभी तो ये सब जीवन का जो तामझाम है इसको देखते हैं। नहीं, सब चीजें साइमल्टेनियस चलानी चाहिए, शरीर के सुख भी, बुद्धि का भी, मन का भी, आत्मा का भी। शरीर के लिए जब आप जवान हो, जब आप बच्चे हो, तब तो जीवन को भरपूर जीने के लिए जो आपको तैयारी करनी है वो कीजिए ठीक से, शरीर को बलवान बनाओ ताकि आगे तक स्वस्थ रह सको, बार बार बीमार पड़ते रहे कोई जीवन नहीं होगा अच्छा। तो अभी वो बेस बन रही है शरीर की भी, अभी बुद्धि को विद्या से ज्ञान से परिपूर्ण करना है, अभी मन में साहस धैर्य, कष्ट में संघर्ष में अविचलित रहने का भाव, अच्छे संस्कार अच्छे विचार, ये सब मानसिक विकास है, और आत्मा आत्मिक उन्नति इन तीनों के साथ जुड़ी हुई चलती है, ईश्वर प्रार्थना उपासना आदि। जब आप युवा हो गए, पढ़ लिख गए, जीवन की तैयारी पूरी हो गई, अब आप किसी उपयोगी काम में लगेंगे समाज में। कल मैं आपसे कह रहा था आपको अपने खाने पीने के और जरूरी चीज साधन जो मिलते हैं कुछ काम करके मिलते हैं, और उसी काम के बदले में मिलते हैं जिस काम से दूसरों का कुछ फायदा होता है, दूसरों के लिए कुछ उपयोगी काम करके बदले में आपको कुछ पैसे मिलते हैं। तो जब आप ऐसा कर पाते हैं, उसको करने के लिए जीवन के सुख के साधनों को जुटाने के लिए आपको कम से कम 8 घंटे तो मेहनत करनी होगी, चाहे सर्विस करो चाहे बिजनेस करो। फिर आपको ज्यादा चाहिए तो आप अपने कार्य के घंटे बढ़ाएंगे, 10 घंटे कर देंगे, 12 घंटे कर देंगे। आप अधिक से अधिक 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे कारोबार में लगाइए, 10 लगा लीजिए, 12 लगा लीजिए, फिर भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं। उस 4 घंटे में 1 घंटा तो निकालिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, 1 घंटा निकालिए कुछ बौद्धिक ज्ञान पाने के लिए, कुछ कठिन किताब पढ़कर समझने के लिए। आप 15-20 मिनट आधा घंटा अपने लिए नहीं निकालेंगे, आत्मा के लिए, ईश्वर के पास बैठने के लिए, कुछ दिव्य गुण शक्तियां प्रेरणा मार्गदर्शन मिले इसके लिए, क्या इसमें कठिनाई है? और जब आप रिटायर होने लगे, रिटायर होने की उम्र कौन सी है, जब आपके बेटे बेटियों के बेटे बेटी हो जाएं, तब आप जीवन का क्रम थोड़ा बदल दें। शरीर के सुख के लिए, आर्थिक धन उपार्जन के लिए थोड़ा समय लगाइए, समाज सेवा के लिए, लोकोपकार के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए और साधना के लिए अधिक समय लगाइए। शरीर जब तक नहीं छूटता तब तक आपको शरीर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर को भोजन देना पड़ेगा, शरीर को वस्त्र देने पड़ेंगे। लेकिन शरीर में आप हैं, शरीर से अलग सेपरेट, इसको मत भूल जाना, नहीं तो ये जीवन का बड़ा भारी लॉस होगा, अपमान होगा। इसलिए शरीर और आत्मा, बीच में बुद्धि और मन है, इन चारों स्तरों पर सुख और आनंद फैले हुए हैं, उन चारों स्तरों के सुख और आनंद को संभालते हुए और जीवन का एक ठीक संतुलन निर्धारित करते हुए आगे बढ़ते चलना है। तो समय सीधी गति में भी जा रहा है, लेकिन किसी भी गोल घेरे में जो रेखाएं हैं वो सीधी भी होती हैं, आपको यूं कर्व लेती हुई चलती हैं, लेकिन अगर किसी बड़े गोल घेरे की किसी एक छोटी सी, एक 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 5 सेंटीमीटर की रेखा को देखें आप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखिए, माइक्रोस्कोप से देखिए, तो वो उतनी सी सीधी नजर आएगी, उस सीधे 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 का जोड़ है वो गोल। तो बड़े विराट अर्थ में समय गोल उसमें है, छोटे अर्थ में समय सीधा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये जीवन फिर नहीं मिलना, जो होगा दूसरा पुनर्जन्म वो तो दूसरा वाला जीवन हुआ ना, इस जीवन के सुख तो इसी जीवन में ले रहे हैं, साथ ही इस जीवन के कर्तव्य भी इसी जीवन में करने। तो साड़ी को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया उस नौजवान ने, तिरुवल्लुवर ने उसको समझाया कि तुम जीवन के साथ क्या कर रहे हो ये सोचो मित्र, साड़ी का तो जो हुआ सो हुआ,
तुम जीवन के साथ जो कर रहे हो, तार तार करके इसके जो बर्बाद कर रहे हो, इसके एक एक क्षण का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में सावधान होने की जरूरत है। एक दिन श्री कृष्ण अचानक पहुंच गए थे द्रौपदी के द्वार पर और उन्होंने भोजन की मांग कर दी थी, भूख लगी है। संयोग सारे लोग भोजन करके जा चुके थे, द्रौपदी अपना किचन चूल्हा सब समेट चुकी थी, बर्तन जूठे पड़े हुए थे और बनाने के लिए और कुछ अनाज सब्जी फल वगैरह नहीं थे। ये तब की बात है जब पांडव अज्ञातवास झेल रहे थे, वन में छुप कर रह रहे थे। तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ दिए और कहा, भगवान कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है जो मैं आपको प्रस्तुत कर सकूं। श्री कृष्ण का ध्यान गया उनका, जूठे बर्तन पड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये पतीली लाना जिसमें चावल पकाए गए थे। तो श्री कृष्ण ने देखा और द्रौपदी का ध्यान खींचा और कहा कि देखो इसमें इतने से चावल हैं, नीचे जो पतीली में चिपके हुए थे थोड़े से चावल पतीली में लगे हुए रह गए थे। श्री कृष्ण कहा कि लाओ यही दे दो, इतने से मेरा पेट भर जाएगा। द्रौपदी सोचने लगी कि श्री कृष्ण मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब यहां से शुरू होता है अलंकार। सुबह में कह रहा था हमारे इतिहास लेखक घटना को कहानी बनाकर पेश करते हैं, उसमें कल्पना जोड़ते हैं कोई बात समझाने के लिए। वो इतिहास को इतिहास के रूप में नहीं बल्कि कथानक के रूप में उपन्यास की तरह रसीला बनाकर पेश करते हैं और इसके लिए कल्पना मिलाते हैं और कल्पना मिलाने से घटना कहानी बन जाती है। तो आगे कथा शुरू होती है, द्रौपदी ने श्री कृष्ण के जिद करने पर करछुल वो चमचा पतीले में डाला, बहुत सा चावल उसमें निकाला, प्लेट में डाला और देखा कि अभी तो उसमें और है। श्री कृष्ण ने खा लिया तो उसमें और था, वो निकाला, देखा अभी और है, अभी और है, अभी और है, और वो समाप्त ही नहीं हो रहा। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया, देखो उस गृहस्थ का धन उसकी लक्ष्मी अक्षय रहती है। अक्षय समझते हैं ना, कभी नष्ट नहीं होने वाली, हमेशा बनी रहेगी, हमेशा घर के अन्न के भोजन के लक्ष्मी के धन के वैभव ऐश्वर्य के भंडार परिपूर्ण रहेंगे जो आगे आप पूरा कर दें। द्रौपदी का वो अक्षय पात्र कहलाया और नीतिकार कहते हैं कि जो दो द्रौपदी का अक्षय पात्र था वो हर एक गृहिणी को अपने पास रखना चाहिए। तो द्रौपदी से कैसे लेकर के आए, वो तो वहीं रह गया महाभारत काल में, नहीं हम सबके पास हो सकता है। श्री कृष्ण ने समझाया, देखो द्रौपदी भविष्य में तुम राज्य लक्ष्मी संभालोगी, अज्ञातवास पूरा होगा, हमेशा ये ध्यान रखना उस गृहस्थ के घर में धन ऐश्वर्य समाप्त नहीं होते, भोजन समाप्त नहीं होता जो एक कण के प्रति लापरवाह नहीं है। एक कण को तुम अगर बर्बाद जाने देते हो तो एक दिन आएगा कि सारी संपत्ति विदा हो जाएगी, और अगर तुम एक कण के प्रति भी सावधान हो कि एक कण भी बेकार ना चला जाए तो संपदाएं अक्षय अक्षुण्ण रहती हैं, फिर समाप्त नहीं होती। नीतिकारों ने बहुत पहले कह दिया था, क्षण नाशे कुतो विद्या, कण नाशे कुतो धनम। जो व्यक्ति एक क्षण को बेकार जाने देता है वो ज्ञान नहीं पा सकता, और जो व्यक्ति एक कण को बर्बाद जाने देता है वो धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आदत खराब है, वो बर्बादी के प्रति सावधान नहीं है। अभी आप सुनते हैं ना कि अमेरिका में कितनी बड़ी मंदी का दौर शुरू हुआ, और चूंकि सारे लगभग सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका की इकोनॉमी से जुड़ गई, वहां मंदी है तो दूसरे देशों पर भी मंदी का असर छा रहा है, चाइना पर ज्यादा, भारत पर कम। कारण क्या है, अमेरिका में जो मंदी आई है विश्व के अर्थशास्त्री इससे चिंतित हैं। यूं तो अर्थशास्त्री ये बताते रहते हैं कि मंदी का दौर आता है, ये भी एक साइकिल है, कभी तेजी आती है कभी मंदी आती है, तो मंदी का ये दौर चल रहा है, सब परेशान है, सारी चीजों के भाव गिर गए। अभी अभी डायमंड
मार्केट के लिए सरकार ने पैकेज दिया है उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मंदी का असर पड़ा है, शेयर का बाजार गिर गया और प्रॉपर्टी के बाजार को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस मंदी के मूल कारण क्या है? तो राजस्थान के एक अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला, उन्होंने बड़ी अच्छी विचारपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का असर भारत पर क्यों नहीं पड़ा, उतना क्यों नहीं पड़ा, कुछ दो चार ट्रेड को छोड़ के प्रॉपर्टी डायमंड और प्रॉपर्टी विदेशी इन्वेस्टमेंट के कारण। कारण उसका यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ दूसरे प्राचीन सिद्धांतों को आधार बनाकर चल रही है। अभी तक भारतीय राजनेता कोशिश बहुत करते रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अमेरिका की गोद में रख दिया जाए, लेकिन उसमें समय लगता। धीरे धीरे बहुत कुछ कर तो दिया उन्होंने, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सके। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सके, विरोध हुआ बहुत, साथी दलों की ओर से विरोध हुआ, बैंक कर्मचारियों की ओर से विरोध हुआ, जनता में भी इसके लिए उत्साह नहीं था कि सारे बैंक प्राइवेट कर दिए जाएं। बीमा कंपनियों का पूरा प्राइवेटाइजेशन करना चाहती थी गवर्नमेंट, नहीं हो सका। इस तरह ये ऊपर ऊपर की बातें, लेकिन सूक्ष्म चिंतन की बात डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने कही। विदेशी अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मूलभूत अंतर है। अमेरिकन अर्थशास्त्री सोचते हैं कि व्यापार को गति देने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्री को गति देने के लिए कारखाने चलते रहें, इसके लिए जरूरी है कि सामान बिकता रहे। ध्यान दीजिए क्या जरूरी है, कारखाने चलते रहें, फैक्ट्रियां चलती रहें, उसमें सामान लगातार बनता रहे, इसके लिए जरूरी है कि सामान बिकता रहे। सामान बिके नहीं, मार्केट में स्टॉक जमा हो जाए तो कारखानों में नया सामान क्यों बनाया जाएगा। सामान बिकता रहे इसके लिए क्या जरूरी है, सामान बिकता रहे इसके लिए जरूरी है कि सामान खरीदते रहें लोग। सामान आप लगातार खरीदते रहें इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आप सामान फेंकते रहें। आप एक साड़ी को कितने दिन चलाती हो? सीधा सा जवाब है, सब जब तक वो ठीक रहती है, जब तक वो घिस नहीं जाती, जब तक वो एकदम खराब पहनने लायक नहीं रही, ऐसा जब तक ना हो जाए तब तक आप